जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली मंथ तक देख चुके हैं, मई 2022 तक। ये जून 2022 का करंट अफेयर्स है, जहाँ पे मैं आपको जो भी उस मंथ का, उस साल का इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, और साथ ही साथ डिटेल से भी चीज़ों को बताते चलती हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसका पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स चाहते हैं, जहाँ पे इसका झारखंड करंट अफेयर्स रंजित सर के द्वारा लाया जाता है, तो आप वहाँ पे इस कोर्स को जाके हमारे जो रेडी फॉर गोल्स का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करके आप वहाँ से इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ये ओनली 149 में आपको 2 वर्षों का यहाँ पे पूरा करंट अफेयर्स दिया जाएगा। झारखंड में एग्जाम तुरंत तुरंत नहीं हो पाते हैं, इसलिए लंबे टाइम से होने के कारण भी आपको करंट अफेयर्स पिछले वर्षों का जो इम्पोर्टेंट रहा उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मे बी वो शायद जेएसएससी सीजीएल में पूछ दे, या झारखंड दरोगा में पूछ दे, या सिफाई के एग्जाम में पूछ दे, बहुत सारे एग्जाम वैकेंसी आते रहते हैं, इन सब चीज़ों में पूछा जा सकता है। मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जब 2022 का पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा तो आपको रैंडम टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा, तो आप टेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो ये पीडीएफ है, ये जो प्रश्न होता है यहाँ पे, आप उसका भी यहाँ आप सुनने के बाद अगर आपने इस कोर्स को परचेज किया तो आप वहाँ पे इसका भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जून 2022 का नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे मैं कवर करती हूँ, ये क्लास नंबर हमारा 6 है। तो चलिए अब इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न के साथ देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहीं बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, आप सभी को पता है, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये बाउंड्री शेयर करते हैं हमारे राज्य बांग्लादेश के साथ। और इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। और इसकी करेंसी क्या है? टका इसकी करेंसी है। तो G20 में ये भी एज अ गेस्ट मेंबर के रूप में इन्वाइटेड था हमारा यहाँ पे इंडिया में। प्रश्न दो, किसने बीमा रत्न नामक एक बचत बीमा योजना शुरू की है? तो LIC के द्वारा ये शुरू किया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीन, भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न चार, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक प्रोडक्शन राज्य बन चुका है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो लखनऊ। प्रश्न पांच, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जून को यहाँ पे तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, आंध्र प्रदेश से इसे अलग करके नया राज्य के रूप में स्थापित किया गया था 2 जून 2014 को। प्रश्न छह, किस संस्था ने तंबाकू पॉइजनिंग आवर प्लैनेट नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य है, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुवांशिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, तो आप इस चीज को भी डिटेल में यहां पे ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7, योग के माध्यम से पुरानी बीमारी और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए आयु नामक ऐप को लॉन्च किया है, तो किसने ये लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बसवराज बोम्बई ने, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा किया गया है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। प्रश्न 8, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ हुआ था? इस प्रकार के पड़ोसी देशों के साथ इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलहट, बांग्लादेश में हुआ था। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय आयोजन हुआ 2022 का, बांग्लादेश के सिलहट में शुरू हुआ था, और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिरीक्षक सुमित सरन के नेतृत्व में 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में भाग ले रहे थे। जनरल तनवीर गन्नी चौधरी बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे।
प्रश्न 9, टाटा आईपीएल 2022 में विजेता टीम को आईपीएल ट्रॉफी के साथ कितनी राशि मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आईपीएल 2022 का वो था, आईपीएल से भी आप जानते हैं कि झारखंड के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 करोड़ रुपये। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 10, हाउस चाइना सी इंडिया एंड द होल वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक से भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं सीजीएल के एग्जाम में, आपने प्रीवियस ईयर प्रश्न जरूर देखा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्याम सरन के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 11, किस राज्य सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर चलन समाप्त करने के लिए ई स्टैम्प शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब की कैपिटल क्या? चंडीगढ़। प्रश्न 12, किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये कौन सी महिला है जो भारत की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रश्मि साहू। प्रश्न 13, किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत गोल्डविल एम्बेसडर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। तो भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यूनिसेफ ने पहली बार 2003 में सचिन तेंदुलकर को जागरूकता पैदा करने और भारत में पोलियो की रोकथाम को बढ़ावा देने की पहल में नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। तो आप सभी को पता है, एक हम जब छोटे रहते थे पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था हाई स्कूल में, कहीं कहीं ब्लॉक में हर संडे को, तो पोलियो एक महामारी के तौर पर आया था, एक समय था, अमिताभ बच्चन के द्वारा भी काफ़ी एडवर्टीजमेंट किया जाता था। तो अब पोलियो का एक वैक्सीन आ चुका है, दवा मिलता है, और ये चीज़ अब धीरे धीरे आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है। प्रश्न 14, जापान के फुकागु सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? तो ये आप जापान का सुपर कंप्यूटर का नाम भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रंटियर अमेरिका का। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और इसकी करेंसी क्या है? तो यहाँ पे अमेरिकन डॉलर। वहीं जापान की कैपिटल टोक्यो और इसकी करेंसी यहाँ पे येन हो जाएगी। प्रश्न 15, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना का जो सिंघुआ विश्वविद्यालय है चीन का, ऑप्शन बी यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? युआन इसकी करेंसी है। प्रश्न 16, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में इसका स्थापना किया गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस दूरबीन को भारत, बेल्जियम और कनाडा के खोल विदो द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ आप उत्तराखंड का कैपिटल जानते हैं, देहरादून होता है। तो उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। तो चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। 9 नवंबर 2000 को इस राज्य की स्थापना हुई थी, आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला हरियाणा में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। प्रश्न 18, केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए भारतीय राष्ट्र ध्वज या तिरंगे को मदद से बनाने को मंजूरी दे दी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके मदद से बनाने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि इसमें सुधार किया गया, संशोधन किया गया है, ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिस्टर और मशीन के द्वारा बनाने के लिए ये चीज अब मान्यता मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। प्रश्न 19, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पियाली बसाक, जो है पहली ऐसी महिला बन चुकी है। प्रश्न 20, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बजराम बेगेज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजराम बेगेज अल्बानिया के नवे राष्ट्रपति बने हैं और बजराम बेगेज इलियर मेटा का स्थान लेंगे। इससे पहले ये यहाँ के प्रधानमंत्री थे। ये एक यूरोपीय महाद्वीप में स्थित देश है और अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। और इसकी करेंसी क्या है? अल्बानियाई लेक इसकी करेंसी है।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायु सेना विरासत केंद्र IAF हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। वही चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ ही, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न 22, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस 2022? ये हर वर्ष फ्रंट आपको 5 जून को देखने को मिलता है कि हर वर्ष 5 जून को ही हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से इस दिवस को मनाने की नींव रखी थी। इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों के मध्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। वर्ष 2022 का थीम क्या था? ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। प्रश्न 23, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ए इज द राइट आंसर। विक्की कौशल के द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में विक्की कौशल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। इनको यह पुरस्कार सरदार उधम, जो मूवी आया था इनका, उनके लिए इन्हें प्राप्त हुआ है। प्रश्न 24, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन बी यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क जो है पहले स्थान पर रहा है। इसकी कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। और करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन इसकी करेंसी है। प्रश्न 25, किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली को राज्य की तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? ये द्वारा किया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक इसकी कैपिटल है। प्रश्न 26, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधन निदेशक MD कौन बने हैं? तो सरकारी बैंक ये हमारा भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका इस बैंक में अकाउंट भी होगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलोक कुमार चौधरी जो है ये बन चुके हैं नए MD। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 जुलाई 1995 को हुई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इसका पुराना नाम क्या था? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। इसका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका टैगलाइन क्या है? तो द बैंकर टू एवरी इंडियन इसका टैगलाइन है। प्रश्न 27, उत्तर भारत का पहला बेम्बू विलेज कहाँ बनेगा? तो उत्तर भारत का पहला बेम्बू विलेज कहाँ बनेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश गढ़वाल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला मुख्यालय के साथ लगते गढ़वाल गांव में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का पहला बेम्बू विलेज बनाया जाएगा। इस परियोजना के स्थापित होने से हिमाचल प्रदेश के बांस उत्पादकों के उत्पाद स्थानीय स्तर पर बिकेंगे। इसके अतिरिक्त बांस की नई और उन्नत किस्मों का पौधारोपण भी करवाया जाएगा, जो भविष्य में ग्रामीण स्तर पर किसानों की इनकम को बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। प्रश्न 28, भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, जो अंतरिक्ष पे लॉन्च किया जाएगा, और पहला मानव महासागर मिशन, जो समुद्र के अंदर लॉन्च किया जाएगा, समुद्रयान, इस पे मैं ऑलरेडी आपको डिटेल से वीडियो बता चुकी हूँ। जब गगनयान मिशन लॉन्च होगा तो इस पे भी हम लोग डिटेल से करेंगे। जिस प्रकार चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बारे में डिटेल से हम लोगों ने वीडियो देखा है इसी चैनल पे, यहाँ पे समुद्रयान पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो 28 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में इसका राइट आंसर होगा। इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा 2024 से, ठीक है? तो यहाँ पे आप इस चीज को भी ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न 29, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, क्योंकि झारखंड में मनरेगा के तहत बहुत से चीजें कार्य होती है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NJ ओझा के द्वारा, मतलब NJ ओझा को नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 30, बिल निषेध दिवस 2022 वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 12 जून, यहाँ पे ए जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 2022 की थीम यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण रखा गया था। प्रश्न 31,
वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आया था, भारत इसमें किस स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 121वें स्थान पर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो तीन देश ऐसे शीर्ष स्थान पर रहे हैं, पहला फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। फिनलैंड की आप यहाँ पे कैपिटल देख सकते हैं हेलसिंकी, और इसकी यूरो करेंसी है डेनमार्क कोपेनहेगन, डेनिश क्रोन इसकी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, स्वीडन स्टॉकहोम और स्वीडिश क्रोन इसकी करेंसी है। प्रश्न 32, शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दाविची 2029 नामक मिशन को किस स्पेस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, 1 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तो एक ऐसी संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा संचालित किया जाता है, जो अंतरिक्ष से संबंधित सभी एकत्रित जो रिसर्च होते हैं वो करती है, जानकारी लेती है, ग्रहों पर जीवन पता करने के लिए सैटेलाइट का निर्माण करती है और उन्हें अपने रॉकेट के माध्यम से दूसरे ग्रह उपग्रह पर भेजती है, ताकि उन ग्रहों के बारे में अधिक से अधिक रिसर्च किया जा सके। जिस प्रकार से इसरो करता है उसी प्रकार से नासा भी करता है। जिस प्रकार से इसरो यहाँ पे इंडिया के स्पेस एजेंसी, नासा वहाँ का है, ठीक है, इस चीज को भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। उसका फुल नेम यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्न 33, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थाईलैंड भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। थाईलैंड ने भांग के कानूनी उत्पादन को अपराध मुक्त करने का कदम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाया है, और थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, इसकी करेंसी थाईबात इसकी करेंसी है। प्रश्न 34, भारत की 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल श्रीवास्तव 74वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। प्रश्न 35, विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि इसका 14 जून को मनाया गया है। वर्ष 2022 की थीम क्या रखी गई थी? डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडरिटी जॉइंट द एफर्ट लाइफ्स। पहला विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया था? तो 2001 में मनाया गया था। प्रश्न 36, कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला, जो ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी, कहाँ स्थापित की गई है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि केरल में की गई है। इसकी कैपिटल क्या है? त्रिवंत्रमपुरम इसकी कैपिटल है केरल की। प्रश्न 37, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्निपथ। आप सुने होंगे 2022 में काफी चर्चा और न्यूज में थी, तो अग्निपथ नाम से ये शुरू हुआ था। प्रश्न 38, वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी की है? तो ये आसियान आपको पता है, भारत भी इसका मेंबर है। तो इसका करेक्ट आंसर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की में ही हुआ था, भारत ने ही मेजबानी की थी। तो भारत ने वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक में व्यापार, रणनीति, संबंध और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को पहले से ज्यादा बढ़ाने पर चर्चा की गई है। तो भारत की तरफ से अध्यक्षता एस जयशंकर, जो केंद्र विदेश मंत्री है। आयोजन स्थल क्या था? नई दिल्ली। भारत संस्करण कौन सा था? तो 24 नंबर का संस्करण था। इसका फुल नेम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे? जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी मुख्यालय है। प्रश्न 39, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इकोनॉमी को हम लोगों का बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया के तहत ये सब कार्य होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। सी इज द राइट आंसर। इसकी अभी फिलहाल कैपिटल क्या है? हैदराबाद। प्रश्न 40, भारतीय सेना और डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदीपुर उड़ीसा से किया है। इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। प्रश्न 41, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा ही किया गया है। प्रश्न 42,
42 सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमजा अब्दी बरे जो है सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये किसका स्थान लेंगे? मोहम्मद हुसैन रोबल का स्थान लेंगे। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थापित एक देश है। इसकी राजधानी क्या है? तो मोगादिशु इसकी राजधानी है। इसकी करेंसी सोमाली सिलिंग इसकी करेंसी है। प्रश्न 43, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के द्वारा ये शुरू किया गया है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। प्रश्न 44, किस देश ने अपना तीसरा सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित नौ सैनिक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की करेंसी युआन, चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग। प्रश्न 45, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो डार्क स्काई रिजर्व, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में बनाया जाएगा। इसकी कैपिटल ले। तो लद्दाख के हानले गांव में चांगथांग वन जीव अभ्यारण का एक हिस्सा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनेगा। यह डार्क स्काई रिजर्व विज्ञान के माध्यम से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देते हुए खगोल विज्ञान को बढ़ावा देगा। डार्क स्काई रिजर्व ऊर्जा खर्च किए बिना और दूसरे क्षेत्रों को प्रदूषित किए बगैर जरूरत के हिसाब से प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था होती है। यहाँ पे था, आप नया एक तथ्य जाने होंगे। प्रश्न 46, भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कुआतने गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये आप सभी को पता है भाला फेंक के लिए प्रसिद्ध है। तो 86.69 मीटर दूर तक भाला फेंके और स्वर्ण पदक जीते हैं। आयोजन स्थल कहाँ था? फिनलैंड। फिनलैंड का मैं आपको ऊपर में कैपिटल करेंसी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्रश्न 47, निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए निपुण नामक अभिनव परियोजना किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय आवास और प्राकृतिक गैस मंत्री है। इसका फुल नेम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। प्रश्न 48, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखा है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का डी, राम बहादुर राय के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 39, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में क्रांतिकारियों की गैलरी ऑफ रिवोल्यूशनरी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न 50, रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है? तो प्रश्न 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। ये बन चुका है भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन रामायण सर्किट पर। तो ये जो था जून 2022 का 50 ऐसे प्रश्न थे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो यहाँ पे ये प्रश्न खत्म होते हैं जून मंथ के। नेक्स्ट हम लोग जुलाई का देखेंगे। इस चैनल पे आपको G20 की बैठक से संबंधित भारत मंडपम क्या है इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बता चुकी हूँ। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको वहाँ पे टेस्ट खोटा का, नागपुरी का, झारखंड का हर वो कोर्सेज भी अवेलेबल कराए गए हैं। तो आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। आप हैंड रिटन नोट्स भी अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का धन्यवाद।